Hey guys, this is Nidhi Trivedi here and today we are going to see what is undistorted and distorted model. But इससे पहले अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो ना देखे हो व्हाट इज अ मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप और साथ में व्हाट इज अ सिमिलैरिटी एंड टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी तो आपको जरूर से देखना है. उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो प्लीज वो जाके देख लीजिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये समझ में आने वाला है. तो प्लीज वो जाके देख लीजिए और स्टार्ट करते बच्चों. तो अनडिस्टोरेटेड और डिस्टोरेटेड मॉडल ये नाम से बड़े भयानक है पर ऐसे है नहीं. तो चलो स्टार्ट करते बच्चों. तो अनडिस्टोरेटेड मॉडल क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जो जियोमेट्रिकली सिमिलर है उसके प्रोटोटाइप से. अगर आपको नहीं पता है कि जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी क्या है तो इसीलिए मैंने बोला है कि आपको देखना है टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके देख लीजिए बच्चों. यानी क्या होगा कि जो रेशियो, समझ लीजिए कि मेरे पास कोई ओपन चैनल है, यानी ये मेरा एक मॉडल है और ये ओपन चैनल है और ये जो फ्लोर है उसकी हाइट है और ये जो चैनल है उसकी लेंथ है, उसी तरह से मैं उसका क्या बनाऊंगी, प्रोटोटाइप. नाउ प्रोटोटाइप इज नथिंग बट द एक्चुअल फुल साइज स्ट्रक्चर. एक्चुअल फुल साइज स्ट्रक्चर यानी ये प्रोटोटाइप है. इट इज अ लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप. यानी क्या होना चाहिए, जो रेशियो है प्रोटोटाइप और मॉडल का वो सेम आना चाहिए. क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. यानी कि अगर लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप बाय लेंथ ऑफ मॉडल मस्ट बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन हाइट ऑफ मॉडल. समझ में आ रहा है? यानी ये जो भी सिमिलैरिटी, ये जो स्केल रेशियो है, ये जो स्केल रेशियो है, चाहे लेंथ का स्केल रेशियो हो, हाइट का स्केल रेशियो हो, ये क्या होगा? सेम होगा. यानी दोनों में जो होगा वो सेम होगा तो वो होगा एक अनडिस्टोरेटेड मॉडल. बट डिस्टोरेटेड मॉडल में क्या होता है बच्चों कि वो एक जियोमेट्रिकली सिमिलर नहीं होता. यानी कि इसका जो रेशियो है लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप बाय लेंथ ऑफ मॉडल इट्स नॉट इक्वल टू हाइट ऑफ प्रोटोटाइप बाय हाइट ऑफ मॉडल. यानी जो स्केल रेशियो होता है, और स्केल रेशियो क्या होता है वो हमने देखा है टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी में, तो आप जल्दी से जाके देख सकते हैं. तो बच्चों क्या होता है, ये जियोमेट्रिकली सिमिलर नहीं होता टू इट्स प्रोटोटाइप. यानी हम ऐसा नहीं बना सकते कि मॉडल और प्रोटोटाइप का रेशियो सेम आए, यानी सेम नहीं हो सकता. और ये होता है, इस तरह के मॉडल को हम बोलते हैं डिस्टोरेटेड मॉडल. यानी वन वर्ड में बोला जाए तो अनडिस्टोरेटेड मॉडल वो है जो जियोमेट्रिकली सिमिलर है. समझ में आ रहा है? यानी कि उसका जो स्केल रेशियो है लीनियर डायमेंशन का वो सेम होगा. बट जो डिस्टोरेटेड मॉडल है वो जियोमेट्रिकली सिमिलर नहीं है, यानी उसका जो स्केल रेशियो है वो भी सेम नहीं है. समझ में आ रहा है? अभी उसमें क्या आएगा, तो उसमें आएगा जो रिवर है. रिवर में पॉसिबल नहीं है कि हम जो प्रोटोटाइप है उसी तरह का, यानी उसी तरह की हाइट, उसी तरह की लेंथ और उसी तरह का हम एग्जिट नहीं कर सकते. तो उसमें आता है रिवर, हार्बर, रिजर्वर, यानी जितने भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, वो सारे आते हैं डिस्टोरेटेड मॉडल में. और ये एज अ एमसीक्यू काफी पूछा जाता है दैट फ्लड इन अ रिवर वो कौन से मॉडल में आता है, डिस्टोरेटेड और अनडिस्टोरेटेड. तो वो आता है एक डिस्टोरेटेड मॉडल में. समझ में आ रहा है? यानी उसमें हम क्या है, जो मॉडल है और प्रोटोटाइप है उसको हम सेम नहीं कर सकते, यानी कुछ भी सेम, यानी उसका रेशियो भी सेम नहीं आ सकता. समझ में आ रहा है? अभी कितनी तरह के डिस्टोरेशन हो सकते हैं. डिस्टोरेशन माने कुछ नहीं बच्चों, डिससिमिलर, यानी वो सिमिलर नहीं है एक दूसरे से, चाहे हाइट में ले लो, चाहे किसी भी तरह की सिमिलैरिटी से ले लो, डायनेमिक ले लो या जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी ले लो. समझ में आ रहा है? और इसीलिए आपको देखना है कितनी तरह की सिमिलैरिटी होती है और क्या होता है मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप. तो बच्चों तीन तरह के डिस्टोरेशन होते हैं. यानी पहला होता है जियोमेट्रिक डिस्टोरेशन. यानी उसमें क्या होता है कि डायमेंशन अलग अलग होने की वजह से, यानी डायमेंशन दोनों में चेंज, यानी मॉडल में भी चेंज होगा और प्रोटोटाइप में. बट ऑब्वियस मॉडल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो मॉडल और जो प्रोटोटाइप है वो एक फुल साइज स्ट्रक्चर है. और दोनों में क्या होगा, जियोमेट्रिकल सिमिलैरिटी नहीं मिल सकती. यानी एक तरह का डिस्टोरेशन वो भी हो सकता है जियोमेट्रिकल, और वो आपको देखने को मिलेगा रिवर मॉडल में. अगर कोई रिवर है उसका मैंने मॉडल स्टडी करने के लिए किया है, यानी हाइड्रोलिक जम क्या होता है, किस तरह से उसका वेव फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी जो भी कितने एडीज जनरेट हो रहे, जो जानने के लिए मैंने मॉडल जनरेट किया है, उसमें उतनी तो डेप्थ नहीं आ सकती जितनी एक्चुअल स्ट्रक्चर में, यानी प्रोटोटाइप में है, उतना तो नहीं हो सकता. यानी उसका एग्जांपल क्या होगा, जियोमेट्रिकल डिस्टोरेशन में आ सकता है एक रिवर मॉडल.
फिर आता है मटेरियल डिस्टोरेशन, ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पास जो मॉडल है वो अलग मटेरियल से बना हो, फिर जो प्रोटोटाइप यानी एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग मटेरियल से हो सकता है, यानी डिफरेंट मटेरियल की वजह से भी क्या हो सकता है बच्चों, मटेरियल डिस्टोरेशन हो सकता है। और तीसरा आता है हाइड्रोलिक क्वांटिटी, बट ऑब्वियस जो वेलोसिटी है, डिस्चार्ज है, वो एक छोटे से मॉडल और बड़े से स्ट्रक्चर में सेम नहीं हो सकते, यानी इस तरह से भी क्या आ सकता है उसमें, इसमें डिस्टोरेशन आ सकता है, सॉरी इसमें यस डिस्टोरेशन आ सकता है, यानी तीन तरह के डिस्टोरेशन होते हैं। अभी तक हमने देखा डिस्टोरेशन यानी जो जियोमेट्रिकल सिमिलर नहीं है, यानी उसके जो लीनियर डायमेंशन का रेशियो है यानी स्केल रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन इज नॉट सेम, और साथ में हमने देखा कि तीन तरह के डिस्टोरेशन होते हैं, पहले जियोमेट्रिकली देखा यानी वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू इट्स डायमेंशन यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन डिफरेंट हो सकते हैं रिवल है इन मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप। साथ में हमने देखा मटेरियल डिस्टोरेशन हो सकता है डिफरेंट मटेरियल यूज करने की वजह से, और फिर हमने देखा कि हाइड्रोलिक क्वांटिटी यानी कि जो वेलोसिटी है डिस्चार्ज है उसकी वजह से भी डिस्टोरेशन हो सकता है। डिस्टोरेशन इज नथिंग बट द डिससिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड इट्स प्रोटोटाइप। अभी हमने जानने हैं कि फिर भी जो डिस्टोरेशन मॉडल है जो ज्यादातर यूज होता है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है जो पूछे जाते हैं, तो चलो देखते हैं बच्चों। तो उसमें एडवांटेज ये है कि उसमें क्या हो सकता है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रिजल्ट मिल सकता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, यानी उसमें क्या है कि हमें कोई ऐसा फिक्स नहीं रखना जिसमें, जैसा कि अनडिस्टोरेटेड मॉडल है उसमें क्या है कि जो जियोमेट्रिकल जो सिमिलारिटी है यानी कि उसका जो रेशियो होगा स्केल रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन, समझ में आ रहा है, यानी लेंथ, ये लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप बाय लेंथ ऑफ मॉडल और हाइट ऑफ यानी जो भी लीनियर डायमेंशन है वो सेम आने चाहिए, उसका रेशियो सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी स्टडी के लिए, हमें अगर प्रिसाइज स्टडी करना है किसी भी मॉडल को, किसी भी टर्बाइन मशीनरी को, कुछ भी हमें करना है, उसको हम अपनी तरह से डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं, डेप्थ रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसकी साइज में चेंज कर सकते हैं, यानी हमें उसका रेशियो जो सेम लाना है वो दिमाग में नहीं है, यानी उसका क्या हो सकता है, प्रिसाइज स्टडी हो सकता है। फिर दूसरा वही है कि मॉडल की साइज हम रिड्यूस कर सकते हैं, सो साइज अगर रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि प्रोटोटाइप जितना स्ट्रक्चर तो हम नहीं स्टडी कर सकते, यानी हम उसकी साइज मॉडल में जिस तरह से चाहे उस तरह से रिड्यूस करके कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसका जो ऑपरेशन करना है वो सिंप्लीफाई हो जाता है और बट ऑब्वियस से कॉस्ट भी साथ में रिड्यूस हो जाता है। फिर जो हाइड्रोलिक सिमिलैरिटी है वो अचीव कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि जो जो चीज जो भी फिनोमिना हो रहा है एक्चुअल स्ट्रक्चर में वो किसी हाई डेप्थ की वजह से हो रहा है, अगर वो चीज लो डेप्थ, वो चीज अगर जो मॉडल है उसमें हाई डेप्थ करके पॉसिबल नहीं है तो वो हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से हाइड्रोलिक सिमिलैरिटी स्टडी करने के लिए, समझ में आ रहा है, तो हम उसका हाइड्रोलिक सिमिलैरिटी भी अचीव कर सकते हैं अपनी तरह से कोई भी डायमेंशन चेंज करके, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो एक बड़े स्ट्रक्चर में एक्चुअल साइज स्ट्रक्चर में जो फिनोमिना हो रहा है वो नहीं जरूरी है कि ऐसा ही मॉडल में हो सकता है, क्योंकि मॉडल एक छोटा सा स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर है तो उसमें अलग तरह का हो सकता है, तो हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ ध्यान नहीं रखना है कि जो लीनियर डायमेंशन है वो सेम आना चाहिए। साथ में बच्चों इसके कुछ डिसएडवांटेज भी, डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें एक डिफरेंट स्केल रेशियो है, और डिफरेंट स्केल रेशियो क्योंकि हमने देखा कि हम उसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं जिस तरह से हमें मॉडल को स्टडी करना हो और फॉर एक्यूरेट स्टडी तो हम कर सकते हैं, उसकी वजह से जो वेलोसिटी और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसा एक्चुअल स्ट्रक्चर में है वो ऐसा मॉडल में नहीं रिप्रोड्यूस हो सकता है। दूसरा है डेप्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी डेप्थ क्या होती है अगर हम ज्यादा ले रहे कम ले रहे जो भी चेंज है दोनों मॉडल और प्रोटोटाइप में उसकी वजह से जो वेव पैटर्न है वो चेंज हो जाती है फ्लो की जो वेव, क्योंकि जो वेव कुछ क्रिटिकल हाइट पे होता है या फिर सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल हाइट में होता है वो जरूरी नहीं है कि उसी डेप्थ में मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों में सेम हो, समझ में आ रहा है, यानी हम डेप्थ यानी कोई भी डायमेंशन चेंज करें तो उसकी जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है उसमें चेंज आ सकता है। फिर जो स्लोप है बेंड है कट है वो भी प्रॉपरली
प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग तरह की, जैसे कि हमने देखा कि मटेरियल डिस्टोरेशन भी हो सकता है, यानी ऐसा हो सकता है हमने मॉडल में भी कोई अलग मटेरियल यूज किया हो और साथ में जो प्रोटोटाइप है उसमें कोई अलग मटेरियल हो, तो काफी रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से जो एक्चुअल हमें चाहिए, जो रिप्रोड्यूस करना है, जो प्रोटोटाइप में हो रहा है वो मॉडल में ना हो। और फिर आता है डिफिकल्ट टू कंक्लूड एंड बिल्ड द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम मॉडल, क्योंकि जो रिजल्ट हमें अपनी अपनी जैसे चाहिए उस तरह से हमने डेप्थ रिड्यूस की या हाइट इंक्रीज की या समझ लीजिए कुछ भी डायमेंशन में चेंज करके हमें जो एक्यूरेट रिजल्ट मिला, हमें जो चाहिए था वो एफिशिएंसी वाला रिजल्ट मिला, वो जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेबल हो सके प्रोटोटाइप के लिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हमने मॉडल के लिए किया क्योंकि वो तो पूरा अलग ही था, समझ में आ रहा है। तो स्टडी के लिए डिस्टोरेशन मॉडल सही है, बट काफी हद तक ये जो हमने यूज किया और जो एक्सपेरिमेंट करके हमने जो रिजल्ट लाया है वो जरूरी नहीं है कि प्रोटोटाइप पे हम एप्लीकेबल कर सके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपके दिमाग में मॉडल लो क्या होता है, फिर मॉडल एंड प्रोटोटाइप क्या होता है, कितनी तरह की सिमिलैरिटी होती है। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये समझ सकते हो, बट ये क्योंकि ज्यादा पूछा जाता है इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।